थैंक यू मेरे ब्लॉग देखता है जी ठीक है थैंक यू हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग कैसे आप सब लोग तो आज दिन की शुरुआत ना गाइस 6:30 बजे से हो रही है क्योंकि मैं ना मतलब शाम को सोया था कान बहुत हो गई थी सुबह मतलब जल्दी नहीं उठ पाया तो अभी फ़िलहाल जाते हैं बाहर और मशीन का अरेंजमेंट करते हैं पाइपों का करते हैं सारी चीज़ें इकट्ठे करनी है फिर निकलना है बगीचे की तरफ क्योंकि ना लेट हो गए थोड़े से तो शायद ब्रेकफास्ट करके ही निकलेंगे हम लोग तो चलते हैं नीचे बाहर की तरफ और बाहर जाके सारे प्लान कैंसिल हो गए क्योंकि दीदी कह रहे कि किसी की डेथ हो गई तेलगा में और शिला देश में पता नहीं पूरा तो नहीं बताया ऐसे ही बताया कि किसी की डेथ हुई है इधर इधर तो उधर जाना पड़ेगा मतलब डेथ होकर जैसे जाते ही है ना तो इसलिए सप्रे का कैंसिल अब सप्रे पता नहीं कब होगी तो अभी देखते हैं क्या बनता है अभी जा रहा हूँ मैं वॉक पे और मेरे साथ आ रहा है निशु वो भी पीछे आ रहा है तो उसका वेट करता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर जा चुका है ये देखिए गुड मॉर्निंग निशु मॉर्निंग तो अभी जा रहे हम दोनों बाकी तो पहले से ही जब पहले दिन से ही जब आपको मैंने बताया था ना कि हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो दूसरी सुबह किसी ने ना फ़ोन उठाया कुछ भी नहीं हम दो ही होते तो चलो चलते हैं आ गया हूँ घर पे और अब जाता हूँ अंदर अपना ब्रेकफास्ट ले कर आता हूँ फिर करता हूँ ब्रेकफास्ट फिर उसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे गाइस तो अपना ब्रेकफास्ट आ गया है ब्रेकफास्ट में है सब्जी रोटी और लस्सी तीन चीज़ें हैं अब फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट निपटाता हूँ और व्यू को एंजॉय करता हूँ गाइस मैं ना एकदम नहा धो के हो चुका हूँ रेडी अभी जाता हूँ क्रीम ट्रूम लगाता हूँ क्योंकि आज ना मैं और नानू दो ही होने वाले हैं घर पे तो शायद घर पे रहना पड़ेगा क्योंकि सारे लोग गए हुए हैं मैं और नानू दो ही आज मैं ना रेडी हो गया हूँ अब एकदम और अभी ना फिलहाल मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप लगी हुई मतलब दिन के टाइम कैसी तेज़ धूप आती है तो वही वाला सीन है तो अभी थोड़ी देर मैं तो कमरे में बैठा रहता हूँ उसके बाद प्लान करूँगा क्या करना है क्या नहीं करना मुझे तो अभी बस इतना ही बाकी थोड़ी देर में आपको अपडेट दूंगा क्योंकि आज ना मैं नानू दो ही है घर पे मैं उठ चुका हूँ अभी थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने और एकदम से ही बहुत टाइम हो गया तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ नानू के पास और नानू को ना लंच वगैरह करवाना है दवाई खिलानी है मतलब जो भी है नानू बीमार है तो जाता हूँ नानू के पास खाना खुना खिलाते हैं नानू को लंच करवाता हूँ फटाफट से लंच ही नहीं कर रहे क्योंकि नानू को ना भूख ही नहीं है तो नानू कह रहे कि मैं बाद में खाऊंगा या मतलब जब मन होगा तब खाऊंगा तो मैंने सोचा कि मैं खा लेता हूँ तो मैं मेरे लिए बना है राजमा चावल और सब्जी वो मैंने ला लिया है तो अब आज ना अकेला हूँ तो मैंने सोचा कि आज लंच भी बाहर ही किया जाए और बाहर ना गाइस इतनी तेज़ धूप लगी है ना ये देखो उसे जलाने वाला सीन है जलाने वाला तो बस तो फटाफट से अपना लंच निपटा लंच वगैरह हो चुका है कंप्लीट और दीदियाँ भी आ गई है घर तो अभी मुझे जाना है अपने दोस्तों के साथ ये क्यों उड़ रहा है दोस्तों के साथ जाना है मुझे अभी आ रहे निशु वगैरह मेरे को देने तो जाता हूँ जरा कान का भी 4 मिनट ये देखो ये लोग पहुँच चुके हैं घर घर को देखना भाई जहाँ गए तुम लोग कहाँ गए थे ये लोग गए थे उसको क्या बोलते हैं डेथ हुई थी कहीं उधर गए हुए थे ये लोग तो वहाँ से आ रहे थे यहाँ पे बैठे भी लोगों की तरह तो चलते हैं लोग ना कन्फ्यूज ही बहुत है कि क्या करना है कहाँ जाना है कैसे कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है और धूप भी बहुत तेज़ है ये दो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे इधर देखो अब मैं तो छाऊँ मैं इधर सेब के नीचे खड़ा हुआ तो अभी करते हैं कॉन्टेक्ट अरे परे किसी को फिर देखते क्या विचार बनता है गाइस इन दोनों की छुट्टी हो गई रोहन बता इंट्रोडक्शन दे अपना नहीं आता नाम तो आता होना पापा का नाम क्या चंद है तेरे तेरे पापा का नाम तो खड़क सिंह है खड़क सिंह चंद मम्मी क्या नाम है ये क्यों चबा रहा है लक्ष्मी मम्मी का नाम तो ठीक है ना पापा का नाम तो है खड़क सिंह मोटू कहाँ गए नहीं अपनी कैसे पैसे बैंक में है देखो ना
बैंक में? पापा के खाते में, पापा के बैंक में। कितने पैसे? बोल रहा है 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। बताना यार रोहन, मुझे पता ही नहीं, देखता नहीं देखता, तभी इसको तो बताया होगा। फोन भी है इसके पास? नहीं, ये है युगल की गाड़ी और स्कूल जाता है। छुपाता कहाँ है फिर? स्कूल में ले जाता है तब गाड़ियों में। दिखाना बताना इसमें क्या क्या तुमने किया हो। तू तो इंजीनियर है, टायर लगाए बहुत सारे है ना, ढक्कन लगाए। चल चल आके ले जा, जीत गया भाई, जीत गया। थैंक यू। मेरे ब्लॉग देखता है? ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जीत गया तू रेस में वैसे भी। गाइस तो काका आ चुका है, राजा साहब भी आ गए ड्यूटी से, तो इस गाड़ी को भी लेके जाएंगे आज, इस गाड़ी को भी लेके जाएंगे। और इतने हम नानू नहीं आ रहे, पीछे वाले लोग सारे आ रहे। और सच इसने एंटीना लगा दिया, ये दिखाना है, है? तो कल वाली जगह में तो नहीं लगा, यहाँ नीचे लगा है। तो जब ये फाइबर पूरा लगेगा तब। ठीक है जी, चले फिर, चले 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 चलो फिर। चढ़ा दे चढ़ा दे, अंदर चढ़ा दे। गाइस आज तो हम लोग आए यहाँ पे, और यहाँ एक्सट्रीम है आज काम। यहाँ से हमारे लिए रिवर क्रॉसिंग हो पार तक, क्योंकि आजकल ना ऊपर ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना चांशिल वाली साइड पे, तो उस वजह से इतना पानी बढ़ गया। ये देखो पानी पानी, ये पूरा मतलब यहाँ तक हो जाएगा पानी पानी कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन में अगर मौसम सही रहा तो। और ये है हमारी गाड़ियाँ, दोनों गाड़ियाँ लेके जाएंगे। वाह यार आज तो बड़ी सही लग रही है। तो ऐसा कुछ सीन है, मैं चलाऊंगा ये वाली गाड़ी, काका चलाएगा ये वाली गाड़ी, और जाएंगे इधर से पीछे। अब यही मज़ा आने वाला है हम लोगों को, क्योंकि ठीक ठाक पानी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पानी है, पर मशीन गई हुई आगे तो उसने ना थोड़ा सीधा कर दिया है। तो ऐसा कुछ सीन है। तो हम लोग मतलब नदी के पास पहुंच चुके हैं यहाँ पे। यहाँ से ना आगे नहीं जा पाएंगे हम, क्योंकि वहाँ पे ना भैया है ना जो खड़े हुए, ये देखो ये रखे हुए हैं सिर्फ यही देखने की कोई गाड़ी वगैरह ना आए यहाँ से, क्योंकि ऊपर चला हुआ है काम, इधर ऊपर चला है जंगल में काम, मशीन लगी हुई है इधर ऊपर, तो इस चक्कर से यहाँ से पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है पत्थर और काम रोकेंगे नहीं हमारे लिए। तो भैया ने बोला कि वापस जाना है, तो हमने बोला कि ठीक है। नहीं नहीं हमें नहीं जाना, जेसीबी की खुदाई नहीं देखनी। यार ये बंदा कैसा होना है यार, रुक जा बोले, इसको दे आगे करने, आगे कर तो नहीं सी थोड़ी सी। अभी ये गाड़ी को आगे करेंगे, मोड़ेंगे और यहाँ से आगे जाएंगे, और एक गाड़ी यहाँ आगे रुकेंगे, मतलब कुछ टाइम के लिए यहाँ आगे रुकेंगे। यहाँ पे बड़े सही सी लोकेशन है ये पेड़ों के बीच, तो थोड़ी देर इधर रुकेंगे फिर उसके बाद घर निकल जाएंगे, क्योंकि आज ऐसे इधर ऊपर ना गाइस कभी मतलब जब ये रोड कम्प्लीट हो जाएगा ना, बहुत ऊपर चला गया जंगल में, तो एक दिन इधर भी जाएंगे जरूर पक्का।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। गाड़ियां यहां पे लग गई है दोनों, ये देखो वाह, ठीक ठाक पावरफुल गाड़ियां होती है गाइज। ये भी 4x4 अगर होगी ना, बहुत पावरफुल गाड़ियां होती हैं। हाँ अभी दूंगा बस। तो फिलहाल अभी कुछ ऐसा सीन है इधर, इसके बाद निकलेंगे अब घर को सीधा, क्योंकि यहाँ पे अब ज़्यादा क्या करना रुकते गाइज। तो हम लोग चल पड़े हैं अब घर को, गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, तो चलते हैं अब। पहुंच चुके गांव में, गाड़ी भी लगा दी पार्किंग में, अब जा रहे हैं जंगल में। थोड़ी देर इधर वॉक करेंगे जंगल में, फिर उसके बाद निकलेंगे घर को। बस तो ये देखो इनकी हरकतें ख़त्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। गाइस तो मैं पहुंच चुका हूं घर पे और इधर चला है काम, मम्मी बना रहे सब्जी और इंदु कर रही है अपना काम। बस तो बैठे हुए सारे खाने का इंतज़ार करेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, फिर अपने रूम निकल जाएंगे। गाइस मैं आ गया अपने रूम पे और डिनर वगैरह हो चुका है कंप्लीट। अब मुझे एडिटिंग करनी है और रेस्ट करना है, दो ही चीज़ें हैं, क्योंकि कल सुबह उठना है जल्दी, कल हमें कहीं जाना है नई जगह पे। तो अभी फ़िलहाल करता हूँ इस ब्लॉग को एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर लेना। आपके ना हर एक लाइक कमेंट से ना मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सारी चीज़ें करो।